तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में जो मेजॉरिटी स्मार्टफोन्स के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं ना, वो दुनिया में सिर्फ मेनली दो ही कंपनी ज़्यादा बना रही है, यानी कि स्नैपड्रैगन की बात करें और मीडियाटेक, यानी कि क्वालकॉम और एक मीडियाटेक, दोनों ही कंपनी बहुत ही अच्छी एसओसीज बना रही है जिसे मेजॉरिटी ऑफ द फोन जिन्हें आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर उनके अंदर यूज़ किया जाता है। वैसे बात करें ना तो इन्हीं का जो मार्केट शेयर है ना वो एक्चुअली में ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन अगर हम बात करें सैमसंग के एक्सिनोस का, किरिन का, उनका जो ओवरऑल जो मार्केट शेयर है ना वो उतना ज़्यादा नहीं है। और इंडिया में भी जो मेजॉरिटी फोन्स बिक रहे हैं उनमें भी आपको कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों कंपनीज में से किसी एक की चिप देखने को मिलेगी। वैसे बात करें मगर मीडियाटेक की ना, तो मीडियाटेक जो है ना वो पिछले काफी लंबे समय से बदनाम रही है। मतलब कि लोगों का परसेप्शन बन गया है कि जो मीडियाटेक के प्रोसेसर वाले जो फोन्स होते हैं उनमें हीटिंग ज्यादा होती है। वेल, पास में ऐसे काफी सारे केसेस हमें देखने को मिले थे जहां पर मीडियाटेक वाले जो प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं थी, हीटिंग होती थी, लैगी परफॉर्मेंस देखने को मिलती थी। इसलिए जो मीडियाटेक है ना वो काफी ज्यादा बदनाम रहा है। यहां तक जो कस्टम रॉम डेवलपमेंट रहता है ना उसमें भी जो मीडियाटेक प्रोसेसर वाले फोन्स है ना उनका जो कस्टम रॉम का जो सपोर्ट है और जो कस्टम रॉम डेवलपमेंट होती है ना वो भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें ना तो मीडियाटेक ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली है। मतलब कि अगर हम बात करें मीडियाटेक के प्रोसेसर्स के बारे में तो डायरेक्टली स्नैपड्रैगन के जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होते हैं जो 800 सीरीज होता है उससे वो डायरेक्टली कंपीट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम पिछले एक दो सालों की बात करें यानी कि 2018 से लेकर 2019 तक की बात करें तो मीडियाटेक के हमें काफी अच्छे और काफी नए प्रोसेसर देखने को मिले हैं और मार्केट में जो मीडियाटेक पावर्ड फोन्स थे उनकी क्वांटिटी भी मार्केट में ज्यादा बढ़ी है। यहां तक कि आने वाले टाइम में जब 2020 आएगा तो हो सकता है आपको मीडियाटेक के जो पावर्ड फोन्स है वो और ज्यादा अच्छे से देखने को मिले। वैसे ओवरऑल अगर मैं मीडियाटेक की ग्रोथ के बारे में बात करूं तो ये सब स्टार्ट हुआ था 2018 में जब मीडियाटेक ने अपना हीलियो P60 प्रोसेसर निकाला था। करेंटली देखा जाए तो मीडियाटेक की हीलियो P सीरीज और A सीरीज के प्रोसेसर इतने अच्छे हुआ नहीं करते थे, लेकिन जो P60 था ना वो एक्सेप्शनली गुड था। और जब वो रियलमी 1 में आया फोन में तो वो फोन काफी ज्यादा सेल हुआ और लोगों को पता चला कि मीडियाटेक के कितने अच्छे प्रोसेसर बना रहा है। इसके बाद उसी का जो अगला वर्जन था प्रोसेसर का मीडियाटेक हीलियो P70, उसका जो पहला फोन था जिसमें वो आया वो था रियलमी U1। और P70 देखा जाए तो उस समय के काफी सारे प्रोसेसर से काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब कि कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन 625, स्नैपड्रैगन 636, स्नैपड्रैगन 630, 632, इन सारे प्रोसेसर से जो पी सीरीज के 60 और 70 थे ना काफी ज्यादा बेटर थे। और P70 के कुछ केसेस में जो परफॉर्मेंस थी ना वो एक्चुअली स्नैपड्रैगन 660 के बराबर हो रही थी, तो ये भी काफी अच्छी चीज थी। मतलब काफी कम प्राइस में जो मीडियाटेक के प्रोसेसर थे वो एक्चुअली में स्नैपड्रैगन के 600 सीरीज और 700 सीरीज वाले प्रोसेसर से कंपीट कर रहे थे। लेकिन अगर हम करेंटली अगर इंडिया में बात करें ना तो इंडिया में अगर स्मार्टफोन मार्केट के प्रोसेसर का अगर हम कोई किंग देखे तो वो क्वालकॉम ही होती है। मतलब कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 90% फोन जो मार्केट में बेचे जाते हैं ना उनके अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि जो क्वालकॉम है वो काफी बड़ा पोर्शन लेके बैठ जो मोबाइल प्रोसेसर होता है उसका। लेकिन मीडियाटेक की बात की जाए ना तो वो भी कहीं पीछे नहीं है। मतलब कि अगर हम बात करें तो रिसेंटली उन्होंने अपना एक स्पेशली G90 और G90T सीरीज को स्पेशली इंडिया में लॉन्च किया और उसका भी एक आने वाला फोन आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम G90 और G90T के बारे में बात करें तो स्पेशली गेमिंग के लिए ध्यान में रख के बनाए हुए प्रोसेसर है, यानी कि मिड रेंज फोन में जो गेमिंग प्रोसेसर होता है ना ये वो है और ये डायरेक्टली कंपीट कर रहा है स्नैपड्रैगन के 600 सीरीज और 700 सीरीज वाले प्रोसेसर से। यहां तक कि आने वाले समय में जब आपको रेडमी नोट 8 प्रो देखने को मिलेगा तो वो पहला ऐसा फोन होगा जिसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिले। और आप लोगों को भी पता है अगर रेडमी नोट सीरीज में अगर मीडियाटेक अगर अपना प्रोसेसर डाल रही है तो वो सच में काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। वैसे आप लोगों को भी पता होगा कि शाओमी की जो रेडमी नोट सीरीज है ना वो इंडिया में एक्चुअली काफी ज्यादा पॉपुलर रही है। इसका काफी अच्छा एग्जांपल है अभी के समय में जो सबसे ज्यादा फोन जो मेजॉरिटी सेल्स हुए 2019 के अंदर तो वो रेडमी नोट लाइनअप के अंदर आते हैं। यहां नहीं अगर मैं रेडमी नोट 7, नोट 7S और नोट 7 प्रो की कंबाइंड सेल फिगर की बात करूं तो वो काफी ज्यादा अच्छे बिके हैं। और ऐसा ही कुछ हाल जब आने वाले टाइम में रेडमी नोट 8 प्रो आएगा तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। और रेडमी नोट 8 प्रो अगर इंडिया में आता और काफी ज्यादा बिकता है तो उसे मीडियाटेक को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। मतलब कि क्या होगा कि ज्यादातर लोगों के हाथों में मीडियाटेक का प्रोसेसर पहुंचेगा और उससे लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली मीडियाटेक के प्रोसेसर की जो ताकत है वो रियल में क्या होती है और मीडियाटेक को एक रियल मार्केट मिल जाएगा। मतलब कि अगर आगे चल के वो शाओमी के साथ या किसी और कंपनी के साथ अगर अपना प्रोसेसर लाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। और देखा जाए तो कुछ साल पहले तो ये चीज पॉसिबल भी नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में चीज पॉसिबल हो गई है और ये देख के लगता है कि जो स्नैपड्रैगन का जो मार्केट है ना उसको काफी ज्यादा खतरा होने वाला है। इसी के साथ जो मीडियाटेक ने अभी अपना एक और प्रोसेसर निकाला था ना हीलियो P90, तो उसके साथ तो ये भी क्लेम किया था कि उसकी जो AI की जो परफॉर्मेंस है ना वो रियलिटी में स्नैपड्रैगन 845 के बराबर है। तो मतलब देखा जाए तो इस हिसाब से जो मीडियाटेक है ना वो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ सिर्फ एक ही है कि उनके प्रोसेसर के लिए जो कस्टम
वेब डेवलपमेंट का सपोर्ट है ना, वो अभी इतना अच्छा नहीं है। वैसे अगर मैं ओवरऑल मीडिया टेक के प्रोसेसर को अगर मैं स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से कंपेयर करूँ तो ओवरऑल जो मीडिया टेक है ना वो काफ़ी सस्ते प्रोसेसर बना रहा है कंपेरेटिव टू स्नैपड्रैगन। मतलब स्नैपड्रैगन में अगर मैं चाहूँ, अगर मैं अच्छा गेमिंग प्रोसेसर चाहता हूँ तो 730 या 730G है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उनके जो फ़ोन्स हैं उनकी कीमत 20,000 रुपये के ऊपर से चालू हो रही है। लेकिन वही बात करें G90 जैसे प्रोसेसर के बलिए तो वो 20,000 से कम के मार्केट को पकड़ रहा है। मतलब कि मीडियाटेक का प्लान ये है कि वो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर बनाए लेकिन उन प्रोसेसर को प्लेस करें उन फोन के अंदर जो आपको 20,000 रुपये से कम में देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो ये है मीडियाटेक की प्लानिंग और वो ऐसा करना चाहता है कि 20,000 से कम में आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो डायरेक्टली कम्पीट करे क्वालकॉम के उन प्रोसेसर से जो उन फोन में पाया जाता है जिनकी कीमत 20,000 रुपये से होती है। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसी के साथ ही अगर आप लोगों को नहीं पता तो 2018 में जो 42% फोन इंडिया में लॉन्च हुए थे ना उनके अंदर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिला था। तो ये भी काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मीडियाटेक जो है वो किस तरीके से धीरे धीरे इंडिया के मार्केट में ग्रो कर रही है। इसी के बाद अगर हम 5G के बारे में बात करें तो आप लोगों को भी पता है कि जो 5G वो नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। मतलब कि आने वाले 2020 के बाद जितने भी फोन आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं आपको 5G देखने को मिलेगा। लेकिन करेंटली 5G के बारे में बात करें तो क्वालकॉम का एक X50 मॉडल आता है जो करेंटली स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर या फिर 855 प्लस वाले जो प्रोसेसर होते हैं उन्हीं में आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसका नुकसान एक ये है कि जितने भी फोन आपको 5G देखने को मिल रहे हैं अभी के समय में सबकी कीमत लगभग 70-80,000 के तो ऊपर ही है। मतलब इंडिया में फोन्स नहीं मिलते, बाहर मिलते, लेकिन जहां भी ये फोन मिलते हैं ना वहां पर इनकी कीमत काफी ज्यादा है। लेकिन मीडियाटेक की ऐसी प्लानिंग है कि ऐसे प्रोसेसर्स को वो बनाए और ऐसे चिपसेट्स को वो बनाए जिनके अंदर 5G को इंप्लीमेंट किया जा सके और उन फोन की कीमत काफी ज्यादा अच्छी रहे। मतलब कि वो मिड रेंज या फिर मैं कहूँ अपर मिड रेंज वाले सेगमेंट के अंदर आना चाहती है और वहां पर वो ऐसे प्रोसेसर और ऐसे फोन को लाना चाहती है जहां पर आपको 5G काफी सस्ते में दिखाई दे। और ऐसे ही मीडियाटेक ने अपना हीलियो M70 मॉडेम बनाया जो कि उनका एक 5G मॉडेम है और ये जो मॉडेम है ये उन फोन्स के लिए बनाया गया है जिन फोन की कीमत लगभग थोड़े कम प्राइस के लिए हो। वैसे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि किस में देखने को मिलेगा लेकिन बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये उन फोन्स में देखने को मिलेगा जिनकी कीमत थोड़ी कम है। क्योंकि करेंटली 5G के बाद में बात करें तो उसके जो फोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं ग्लोबली और जो मीडियाटेक है ना वो इसी चीज़ में आके जो 5G फोन्स की कीमत है ना वो कम करना चाहता है। वैसे क्वालकॉम ने भी अनाउंस किया कि आने वाले समय में उनके जो स्नैपड्रैगन 6 सीरीज और 7 सीरीज के जो प्रोसेसर होंगे वो इंटरनली 5G के साथ कंपेटिबल होंगे और वो 5G वाले जो प्रोसेसर होंगे वो आपको उन फोन्स में देखने को मिलेंगे जिनकी कीमत थोड़ी कम होगी। मतलब कि जो स्नैपड्रैगन है वो भी काफ़ी अच्छी तैयारी में ऐसे प्रोसेसर बनाने के लिए जिनकी जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो। वहीं मीडियाटेक भी तैयारी में है जिनके अंदर जो 5G का इंप्लीमेंटेशन वो सस्ते हो। बाकी देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर सबसे कम प्राइस में आपको 5G कौन से प्रोसेसर की तरफ से देखने को मिलता है। मतलब कि कौन सी कंपनी सबसे सस्ता प्रोसेसर बनाती है जिसके अंदर आपको 5G देखने को मिले। और मीडियाटेक का ट्रैक रिकॉर्ड देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो सबसे सस्ते फोन्स होंगे जिनमें आपको 5G देखने को मिलेगा तो वो भी मीडियाटेक की तरफ से होंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पर स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर के साथ थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके जो प्रोसेसर की जो कीमत होती है ना वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है और इसलिए इनके जो फोन्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा महंगे होते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को पता है स्नैपड्रैगन वाले जो फ्लैगशिप वाले फोन्स होते हैं उनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। स्नैपड्रैगन 730 730G के साथ जो फोन आ रहे हैं उनकी कीमत भी काफी ज्यादा है। लेकिन मीडियाटेक के साथ ये दिक्कत नहीं है। मीडियाटेक अब क्या कर रहा है, अच्छे प्रोसेसर बना रहा है, उनमें आपको आने वाले टाइम में 5G सपोर्ट भी देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह कि जिन फोन में मीडियाटेक का प्रोसेसर आ रहा है ना उनकी कीमत काफी ज्यादा कम है और उनमें आपको अभी के समय काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मतलब कि अब ये हो रहा है कि अभी तक जो स्नैपड्रैगन की जो मोनोपोली जो स्मार्टफोन मार्केट में चल रही थी कि मतलब हर कोई स्नैपड्रैगन के पीछे भाग रहा था तो उसकी जो मोनोपोली उसको काफी बड़ा कॉम्पिटिशन मिला है मीडियाटेक की तरफ से। बाकी देखने वाली बात यह होगी कि आगे चल के मीडियाटेक के प्रोसेसर कैसा परफॉर्म करते हैं और जो स्नैपड्रैगन है क्या वो उनसे उतने अच्छे तरीके से कम्पीट कर पाता है। वैसे मेरे को ये लगता है कि अगर मीडियाटेक अगर ज्यादा अच्छे प्रोसेसर बनाएगा तो उसके कंपटीशन में जो स्नैपड्रैगन के जो आने वाले प्रोसेसर्स होते हैं ना उनके रेट भी कम होंगे। मतलब कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छे प्रोसेसर वाले फोन्स देखने को मिलेंगे जिनमें आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर या फिर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन कोई अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बाकी देखने वाली बात यह होगी कि 2020 में जो 5G फोन्स है वो कौन सी कंपनी सबसे कम प्राइस में लेके आती है और उनमें प्रोसेसर किसका लगा होता है, मीडियाटेक का या क्वालकॉम का, तो ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोगों को कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा पसंद है, मीडियाटेक का या क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, तो ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।